सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। कुश्ती त्यागने के बाद से बच्चों का भविष्य खराब होते देखती हूँ तो बहुत दुख लगता है। आज इसी के समक्ष में आप सबके बीच में आई हूँ। 21 दिसंबर को फेडरेशन के सस्पेंशन के बाद से ब्रिजभूषण ने जो तांडव किया वो आप सबने देखा ही होगा। वह तांडव आम जनता को दिखाने के लिए नहीं था, वह तांडव महिला पहलवानों के मन में भय बिठाने के लिए किया गया था। और सरकार ने संजय सिंह को सस्पेंड करके एड ऑफ कमेटी बनाई, इसका मैं स्वागत करती हूँ। और लगातार हम एड ऑफ कमेटी को बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द अंडर 15 अंडर 17 का नेशनल भी अनाउंस किया जाए ताकि बच्चे जो है आगे आने वाले कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सके। पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि देश के कई स्टेट के बच्चे जो है बहला फुसला कर जंतर मंतर पर ले जाए गए और उनसे बुलवाया गया कि हम उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। एड ऑफ कमेटी जूनियर नेशनल अनाउंस करती है तो उसके कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, और एड ऑफ कमेटी अगर सीनियर नेशनल अनाउंस करती है तो उसके पैरेलल वो अपना नेशनल जो है पुणे में अनाउंस कर देता है। तो आप ही देख लीजिए कि भविष्य कौन खराब कर रहा है, कौन नेशनल नहीं होने देना चाह रहा, जबकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एड ऑफ कमेटी ने लेटर निकाला हुआ है कि उसके नेशनल को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। और उसका मकसद जो है वो कुश्ती को बढ़ावा देना नहीं है, उसका मकसद कुश्ती पर कब्जा करना है ताकि वह लगातार महिला पहलवानों का शोषण करता रहे और बच्चों के जो स्पॉन्सर्स के पैसे हैं उनका कोई अता पता ना ले। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द अंडर 15 अंडर 17 के नेशनल कराए जाएं ताकि जो है आने वाले ओलंपिक्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सके। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि संजय सिंह और ब्रिजभूषण का जो है वो परमानेंट इलाज करें। और बच्चों से निवेदन करती हूँ कि जो नेशनल जयपुर में हो रहा है आप वही खेलने जाएं, उसी को मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।